तो दोस्तों आप भी परेशान हो मोबाइल में आने वाले एड्स से, तो घबराइए नहीं, बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मोबाइल में आने वाले एड्स को कैसे रिमूव करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय राजपूत और स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मोबाइल में आने वाले अलग अलग प्रकार के जो एड्स होते हैं उनको कैसे रिमूव करते हैं। जब भी हम कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं, तो इन सबको कैसे रिमूव करते हैं जिससे हमारा डिवाइस भी काफ़ी स्लो हो जाता है और हैंग करने लगता है। तो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज देखते रहिए हमारा इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए। तो आज के इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि हमारे मोबाइल में आने वाले जो अलग अलग प्रकार के एड्स हैं इनको कैसे रिमूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी बकवास के। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जाना होगा अपनी मोबाइल की सेटिंग पर, और सेटिंग ऑन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। इसके बाद आपको जाना होगा कनेक्शन एंड शेयरिंग पे ऑप्शन पर। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, और इसके बाद आपको ओपन करना होगा प्राइवेट DNS मोड। इसको करने के बाद देख सकते हैं ये ऑफ होगा, इसको ऑन कर लेना है। इसको करना क्या है, प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम पर क्लिक करना है, और यहाँ पर लिखना होगा @guard.com, मेरा जो कि पहले से लिखा है। इसमें इस तरह लिखना है dns.adguard.com। इतना लिखने के बाद इसको सेव कर देना। इसके बाद अब आप अपने मोबाइल का कोई भी ऐप यूज करेंगे तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। चाहे आप जो भी ऐप यूज करें, चाहे थर्ड पार्टी या कोई भी ऐप यूज करते हैं, तो आप कोई भी ऐप यूज करिए फ्रेंड। इसके बाद आपके पास कोई भी एडवर्टाइज या ऐड देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरा नया नया अपडेट आपको तुरंत मिलते रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।